नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। परसुडी थाना अंतर्गत कीटादी क्षेत्र में देर रात तीन अपराधियों ने घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया। बागबेड़ा थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग रेलवे क्वार्टर में देर रात अपराधियों ने क्वार्टर में घुसकर युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। युवक को गंभीर अवस्था में टीएमएच में भर्ती किया गया। एमजीएम थाना अंतर्गत बड़ा बांकी पुल के नीचे 28 वर्षीय युवक की लाश मिली, पुलिस जांच में जुटी। और कपाली पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में दो अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत कीटाडी क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब स्थानीय लोगों को पड़ोस के अजीत शर्मा के घर में लूट की घटना की जानकारी मिली। देर रात तीन की संख्या में अपराधियों ने अजीत शर्मा की धर्मपत्नी को बंधक बनाकर सोने की जेवरात की लूट की घटना को अंजाम देकर चलते बने। अजीत शर्मा और उनके पिता घर से बाहर गए हुए थे। घर पर अजीत शर्मा की मां, उनकी धर्मपत्नी और उनके बच्चे सोए हुए थे। तभी रात्रि के वक्त अजीत शर्मा की पत्नी प्रिया शर्मा शौच के लिए उठी, जहां पहले से ही घर पर घात लगाए बैठे तीन अपराधी उनकी पत्नी के मुंह को दबाकर दूसरे कमरे में ले गए और कमरे में रखे साड़ी से हाथ पैर और मुंह को बांध दिया और फिर अलमीरा व बैग में रखे 1 से 1.5 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर चलते बने। अजीत शर्मा की पत्नी इसी तरह अपनी सास को घटना के संबंध में जानकारी दी, जिसके बाद अजीत शर्मा की मां ने शोरगुल कर बस्ती वासियों को इस संबंध में जानकारी दी। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए अजीत शर्मा की मां सुनैना शर्मा ने बताया कि छत के सहारे तीन की संख्या में अपराधी घर में घुसकर बहू के हाथ पैर को बांध कर लूट की घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा पुलिस आई थी, जाँच पड़ताल कर चली गई। घनी आबादी वाले इस बस्ती में इस तरह की घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम है। अपराधियों द्वारा घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम देने के बाद क्षेत्रवासियों में आक्रोश भी है। हालांकि पुलिस जांच की बात कहकर इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। पीछे से उसको मुंह दबा के पकड़ लिया लो। कितने की संख्या में थे अपराधी? 2-3 जन थे। क्या चीज से बांध दिए फिर आपकी बहू को? मतलब साड़ी को फाड़ करके बांधे। बांध करके क्या किए? बांध के क्या किए अब हमको नहीं पता, वो बता नहीं रही है। नहीं मतलब लूट उट का घटना को क्या है, लूट का अंजाम दिए? मुंह बांध दिया था लो, हाथ पैर बांध दिया था लो, और उसके बाद में वो मतलब उन लोग के जाने के बाद वो नीचे सोच होके आई है मेरे पास में। हमको तो चिल्लाने नहीं सकी ना, तो हम उठे रहते तो कुछ करे रहते। हम लेके सोते हैं डंटा वंटा लोहा का कि मारेंगे बोल के। अब उन लोग छोड़ के दिया है और मेरा पास में वो घसक घसक के आई है सो के। आ करके मम्मी मम्मी बोली है, रो रही है। जब हम देखे कि ये रो रही है, इसको बांधा है, तभी हम समझ गए हैं कि इसको चोर घुसा है मेरा घर में। फटाफट इसको खोले, ये वाला दरवाजा का ताला खोले, हम तो ताला लगा के सोते हैं, ताला खोले तब जा करके इन लोग के दरवाजा पीटे। उसके बाद में बाहर जा कर देखे, बाहर में तो कोई है ही नहीं है, उन लोग तो यहाँ से भाग गया है ऊपर, मतलब छत से चढ़ा था। अच्छा, ये क्या क्या सोने का क्या क्या सामान लेके गया? बस कान का था 2 जोड़ा और पायल था और मंगलसूत्र था, नथिया था और मंगटीका। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग रेलवे क्वार्टर में देर रात अपराधियों ने रेलवे क्वार्टर में घुसकर कुंदन कुमार सिंह नाम के युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें कुंदन कुमार सिंह के पेट में गोली लगी, जिसे गंभीर अवस्था में टाटा मेन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कुंदन कुमार सिंह का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। 15 दिन पहले ही कुंदन की शादी हुई थी। देर रात कुंदन अपने परिवार के साथ लाल बिल्डिंग रेलवे क्वार्टर में था, तभी 9 की संख्या में अपराधियों ने पूरे क्वार्टर को चारों तरफ से घेर लिया और 3 की संख्या में अपराधी रेलवे क्वार्टर में घुसकर कुंदन कुमार सिंह के ऊपर 3 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें कुंदन के पेट पर गोली लग गई, जहां आनन फानन में कुंदन को इलाज के लिए टाटा मेन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शी दीप ने बताया कि वह पास के क्वार्टर में बर्थडे पार्टी मना रहे थे, तभी 9 की संख्या में अपराधी लाल बिल्डिंग रेलवे क्वार्टर के पास पहुंचे। उसमें से 3 अपराधी रेलवे क्वार्टर के पहले तल्ले पर स्थित कुंदन कुमार सिंह के घर पर घुसकर खिड़की से 3 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें कुंदन कुमार सिंह के पेट पर गोली लगी। प्रत्यक्षदर्शी दीप ने बताया कि उसमें से एक अपराधी को पहचान रहे हैं, जिसका नाम अंकित कुमार सिंह उर्फ जादू है। उन्होंने कहा अपराधियों द्वारा उनके आका रमेश सिंह का नाम लेते हुए 8 राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है, 3 राउंड कुंदन सिंह के घर पर और 5 राउंड भागने के दौरान। घटना की जानकारी मिलते ही
एएसपी लॉ एंड ऑर्डर घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस इस घटना को आपसी वर्चस्व की घटना के रूप में देख रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है। हालांकि घटना के पीछे मुख्य कारण क्या है, कितने की संख्या में अपराधी आए थे और कितने राउंड फायरिंग की, इस मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से बचती दिखी रही है। दोस्त का बर्थडे से आए थे तो रात ज्यादा हो गया था, घर नहीं गए तो भैया लोग बोले थे यहीं सो जाना, तब लोग अंदर में सब खड़े थे, आया अपराधी लोग 6-7 जन, नीचे स्प्लेंडर लगा हुआ था, रोड के पास में गाड़ी लगा हुआ था और मेरे घर के नीचे में जहाँ पे हम रहते हैं उसके वहाँ पे लगा हुआ था लड़का लोग 3-4, तो यानी नहीं भी तो 8-9 लड़का था और यहाँ पे 3 जन चढ़ा, जिसमें से एक जन का नाम हम जानते हैं अंकित सिंह उर्फ जादू वो, और रमेश सिंह का नाम लेके बोल रहा, बोलता है कि तुम लोग जितना भाई लोग कदम पे उड़ रहा है सब पिला जाएगा, तुम लोग कोई बचने लायक नहीं रहेगा। अच्छा, कितना राउंड फायरिंग की यहाँ पर? 8 राउंड। यहाँ 8 राउंड फायरिंग की, यहाँ पे 2 राउंड, यहाँ पे फिर सीढ़ी के पास में नीचे और एक तो मेरा घर के पास में। अच्छा, यहाँ जब घुसे वो लोग क्या किए, पहले क्या किए? वो लोग सबसे पहले आने के बाद आने समय सबका घर में लात मार रहे थे और गंदे गंदा टाइप में गाली बक रहा था। हम जैसे ही आए तो वो लोग सब लोग मेरे ऊपर चढ़ गया, सब लोग सब अपराधी लोग जितना सामान वामान जो जो था वो लोग के पास, मतलब कि जो जो हथियार सब वो लोग लाया था अपने साथ में, वो सब हथियार से पूरा हम लोग को घेर दिया था। वो लोग आवाज़ दिया तो भाई सोचा कि पुलिस वुलिस होगा कुछ, तो निकलने लगा तो खिड़की खोल के पहले देखा, पहले खिड़की खोला, लड़का लोग यहीं से गोली चलाने लग गया। तो यहीं से गोली लग गया था? हाँ, खिड़की है वहाँ से गोली चलना स्टार्ट हुआ, वहीं गोली लगा। उनकी वाइफ, जैसे ही गोली लगा उनकी वाइफ डर गई, अब चारों तरफ से अंधाधुंध टाइप में फायरिंग चल रहा। अब लड़का अपना हस्बैंड को यानी भैया को लेकर के चौकी के अंदर घुसा दी, अब वो पूरा छटपटा रहे। फिर उसके बाद जब सब देख लिया कि अपराधी ने उठ रहा तो अपराधी लोग भाग गया, और भागते भागते भी यही बात बोल रहा कि हम लोग वापस आएंगे फिर मारेंगे। जमशेदपुर के MGM थाना अंतर्गत बड़ा बाकी पुल के नीचे गोलमुरी न्यू केबल टाउन निवासी 28 वर्षीय शिवा की लाश मिली। शिवा लाइमलाइट ट्रांसपोर्ट में काम करता था। शुक्रवार को हर दिन की तरह वो ड्यूटी पर गया था, जिसके बाद आज सुबह बड़ा बाकी पुल के नीचे उसकी लाश मिली। जब इसकी सूचना उसके परिजन को मिली तब उन लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव की पहचान की। शिवा की स्कूटी नदी के पास झाड़ियों में मिली, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। आपको बता दें कि शुक्रवार को शिवा का जन्मदिन था। घर वालों ने बताया कि शिवा का फोन शाम 4 बजे तक चालू था, उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। कल शाम 7 बजे शिवा का दोस्त बाबू उसके घर पर केक लेकर आया और यह कहकर चला गया कि उसका फोन नहीं लग रहा है, यह केक शिवा आएगा तो उसको दे दीजिएगा। वहीं परिवार वालों ने आरोप लगाया कि शिवा की हत्या उसके दोस्तों ने ही की है। उन्होंने बताया कि दोस्तों और ऑफिस के काम को लेकर भी शिवा काफी परेशान रहता था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कल उसका बर्थडे था, दोपहर को खाना खा के 3 बजे गया, उसके बाद और घर नहीं आया। 7 बजे बोल रहे कंपनी से निकल गया था, दोस्त लोगों बोल रहा 10 लोगों ने उसका घूम रहा था केक लेके। अब कौन कौन दोस्त सब था पता नहीं, उसका पीछे पड़ा था, उसका दोस्त सब पीछे पड़ा था, कौन उसको ले गया हुल्लू नदी कभी नहीं जाता मेरा बच्चा। क्यों दोस्त क्यों पीछे पड़ा था, किसी किस तरह का दुश्मनी था? पता नहीं, लग रहा कमाता है अच्छा लड़का, देख रहा है मैंने पहले इतना नशा पानी कुछ नहीं करता है, एकदम बहुत अच्छा मेरा बच्चा था। कौन सी कंपनी में काम करता था वो? ट्रांसपोर्ट में तिनचोट कंपनी में अंदर में करते थे। डेड बॉडी कहाँ पे मिला? डेड बॉडी हमको जो हुल्लू का पुल है ना, बड़ा बाटी बोलते हैं, वो नदी के नीचे में डाल दिया है और गाड़ी रखा है करीब करीब 10 किलोमीटर आगे में। 1 किलोमीटर? अच्छा ठीक है, 1 किलोमीटर में गाड़ी था उसका। गाड़ी में चाबी भी सब लगा हुआ है। तो आप लोग क्या लग रहा है? तो लग रहा है देखिए, तो दोस्त क्या लेकर उसको मार के फेंक दिया है। अब क्या किया, सुबह 8 बजे कॉल आया, 8 बजे कॉल आया। किसका साथ गया था ये? किसी के साथ गया था? किसी के साथ गया था ये? कंपनी से 8 बजे निकल गया पंचिंग मार। कब? कल रात में 8 बजे निकला। हाँ। उसके बाद घर नहीं आया? नहीं। कौन से कंपनी? इंप्लेट। आप लोग कब पता चला? हमको भाई सवेरे 8 बजे फोन किया। जांच होगा, पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आएगा कि इनको मारा गया है कि गला झपा गया है कि क्या किया। परिवार वाले क्या बता रहे? परिवार वाले कहे कि हम रिपोर्ट करें, हम कहीं आइए MGM थाना। क्या बोल रहे हैं आपको बोलो? अभी कुछ नहीं बोले हमसे। जैसे परिवार वाले बोले कोई मार दिया है या ऐसा? नहीं, तो कुछ नहीं बोले हैं। परिवार वाला जैसे हम लोग को जानकारी है कि चोट उठ लगने से उनका जो गुआ दुगो थे चोट लगने से सर पता चल रहा है, लेकिन अब चोट का चीज से लगा तो ये सब। कपाली पुलिस ने फरार चल रहे 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे।
सरायकेला खरसावां जिले के कपाली पुलिस ने फरार चल रहे दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से कपाली पुलिस को इन दोनों की तलाशी थी। कपाली पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सरायकेला के निर्देशानुसार समरकालीन अभियान चलाया गया था, जिसके दौरान दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में फरार चल रहे मनोज पासवान, जो कि जमशेदपुर के सीताराम बिरादर का रहने वाला है, को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरा अभियुक्त अग्नू महाली कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत गौरी का रहने वाला है। इसके ऊपर अवैध शराब का मामला दर्ज था। पिछले कई दिनों से यह भी फरार चल रहा था, इसे भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामला था कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समकालीन अभियान चलाया गया था, जिसमें चांडिल कांड संख्या 168/22 का अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और एक वारंटी को गिरफ्तार किया गया। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम? एक गौरी का है और एक सीताराम डेरा। इधर MGM अस्पताल में आग से मची अफरा तफरी, डॉक्टर नर्स इमरजेंसी छोड़कर भागे, मरीजों को भी निकाला गया बाहर। कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल MGM अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के AC में अचानक से आग लग गई। इस आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान डॉक्टर नर्स कमरे से जान बचाकर भागे। कमरे में पूरी तरह धुआं धुआं हो गया था। इस दौरान मौजूद कर्मचारियों ने होमगार्ड जवानों की मदद से अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हुए आग पर काबू पाया और तत्काल मरीजों को वहां से बाहर निकाला। करीब 10 मिनट के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जाता है कि इमरजेंसी में अचानक से ही आग लगी, AC में ही आग लगी थी। आग को बुझाने के दौरान अस्पताल में कांच को तोड़ना पड़ा, जिसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर को निकाला जा सका। हम लोग वहीं पे ड्यूटी में थे और अचानक अंदर से हल्ला हंगामा होना शुरू हुआ, तो हम लोगों ने देखा जाके कि इमरजेंसी का जो जहाँ डॉक्टर बैठता वहाँ AC में आग लगा हुआ है। तो हम लोगों ने डॉक्टर को हटाया बाहर और उसके बाद फायर ब्रिगेड वाला वो हैंड फायर ला के और उसको बुझाया। उसके बाद आग पे काबू पाया गया, भीड़ में नियंत्रण पाया गया। कैसे लगा, कुछ पता चला? वो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगा था। अच्छा, ज़्यादा देर तक AC को 24 घंटा चालू करके रखा था, इसलिए आग लग गया। तो ठीक सब, हाँ, कोई हताहत नहीं हुआ था, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब ठीक ठाक हुआ। वहीं चांडिल थाना क्षेत्र के NH-33 बाड़ीगोड़ा के एक आलिशान मकान में अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। उत्पाद विभाग के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, प्रभारी निर्भय कुमार की मौजूदगी में छापेमारी की गई। छापेमारी में अवैध विदेशी शराब का पेटी जब्त किया गया एवं 3 मजदूर को गिरफ्तार किया गया। मालिक भागने में सफल रहा। साथ ही शराब बनाने का कच्चा माल, स्प्रेड, बोतल, मशीन, ढक्कन, मोनोग्राम भारी मात्रा में जब्त किया गया। सुबह लगभग 6 बजे लोहे के तार पर कपड़ा पसारने के क्रम में लोहे के तार में करंट आ जाने से 60 वर्षीय बासो सोरेन और उसकी बेटी मालती सोरेन की मौत हो गई। घटना के समय घर में मौजूद वासो सोरेन की नतनी सुमन और सबनम ने बताया कि सुबह उसकी नानी कपड़ा धोकर लोहे के तार पर जब कपड़ा पसार रही थी, उसी वक्त वह अचानक तार और कपड़े के साथ बेहोश होकर गिर गई। इसी क्रम में उसकी मौसी मालती जब बचाने गई, तब वह भी उसकी चपेट में आ गई। घटना की सूचना पाकर आसपास के लोग लकड़ी का डंडा लेकर पहुंचे, ताकि तार से मृतकों के शरीर को अलग किया जा सके। मुसाबनी में 1 साल पूर्व भी इस तरह की घटना हुई थी, जिसमें एक अंचल कर्मचारी अपने घर में इसकी चपेट में आ गया था। मालूम हो कि 1 सप्ताह पूर्व उपायुक्त ने भी एक विभागीय जिला स्तरीय बैठक में बरसात को देखते हुए घरों में कपड़ा पसारने के लिए उपयोग किए जाने वाले लोहे की तार को जानलेवा बताते हुए बिजली विभाग को इसके प्रचार प्रसार करने के लिए कहा था। साथ ही सहित सभी प्रखंड को भी इसके लिए प्रचार प्रसार करने को कहा था, परंतु बिजली विभाग और प्रखंड के पदाधिकारी ने इसको लेकर कोई प्रचार नहीं किया। ये तो देखने से ही पता चला कि उसका माँ पसारने गई है साड़ी, और छुड़ाने के चक्कर में ये जो है लड़की फिर गई, ये भी करंट में फंस गई, दोनों को मौत हो गई। ने मौसी को लाया कि वो अपने से गिरी, पर उसको नहीं पता ये करंट था, फिर मौसी उसको पकड़ी तो उसको भी करंट लग गया। सूचना के सत्यापन में तत्काल मैं प्रस्थान किया, यहाँ आया तो पाया कि दो महिला जो हैं माँ बेटी हैं, एक का उम्र 65 वर्ष है, एक का उम्र 35 वर्ष है, वो दोनों कपड़ा सुखाने के क्रम में माँ को आग करंट लगी थी, जिसे छुड़ाने के क्रम में उनकी बेटी को भी करंट लगा। तत्काल लाइन कटवा दिया गया था, लाइन कटवाने के बाद उन लोगों को बाहर निकाला गया, बाहर निकाल कर इलाज हेतु अभी केंद्रीय हॉस्पिटल भेजा गया है, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं जमशेदपुर के शहीद स्मारक निर्माण समिति के द्वारा साक्षी शहीद चौक में शहीद स्मारक निर्माण हेतु एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा गया, साथ ही अविलंब इसके निर्माण की मांग की।
समिति के संस्थापक संजीव आचार्य ने कहा कि उक्त स्थल पर जेपी आंदोलन के तहत बड़ी संख्या में छात्रों ने अपनी शहीदी दी थी और वर्षों से उक्त स्थान पर शहीद स्मारक निर्माण किए जाने की मांग समिति उठाते हुए आ रही है। उन्होंने कहा कि शहर के विभिन्न स्थलों पर देश के महापुरुषों का प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मान दिया गया है, लेकिन जेपी आंदोलन के शहीदों को सम्मान आज तक नहीं दिया गया है। इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द जिला प्रशासन शहीद स्मारक का निर्माण नहीं करती है तो समिति खुद से उक्त स्थल पर स्मारक का निर्माण करेगी और इसके लिए एक बार फिर वे प्रशासन के डंडे और गोली खाने को भी तैयार है। देश की जो अहम भूमिका स्वाधीनता आंदोलन में निभाए, स्वाधीनता के बाद भी निभाए जयप्रकाश नारायण जी, उनका नेतृत्व, क्योंकि यूएनओ में झंडा जो झुकता है, एक बार महात्मा गांधी जी जब उनका जब देहांत हुआ था तब यूएनओ ने झंडा झुकाया था, दूसरा जयप्रकाश नारायण के समय पे। तो ऐसे हस्ती और उनके दो छात्र मर गए थे, उनका स्मारक लगना चाहिए। अगर नहीं लगता है, अगर जिला प्रशासन अनदेखी करता है, तो आगामी जो जयप्रकाश नारायण जी का अक्टूबर महीने में 11 अक्टूबर को जयंती समारोह है, हम लोग जबरन उन छात्र का स्मारक को लगाएंगे। मैंने इनको कह दिया है, इसके चलते आप लाठी डंडा गोली जो भी लग जाए, जो भी करना आप करें। वक्त चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। स्ट्रीट आलिया वाला स्ट्रीट है, मंडे मॉर्निंग नो हैसल हेयर, 5 मिनट वाला स्ट्रीट है, वेकेशन वाला फ्रिज फ्री है, केयर फ्री बट केयर से भरपूर है। फिलिप्स हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश एक्टिवली केयर्स प्योर है एंड गिव्स यू नेचुरली स्ट्रेट फ्रिज फ्री है इन जस्ट 5 मिनट्स। योर हेयर योर वे, फिलिप्स। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे, साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है, सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिश्तीपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 0657-23-20075। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। कदमा के बहादुर टुडू ने दंडाधिकारी के आश्वासन पर टाला आत्मदाह का फैसला। मानवो के बालीगुमा स्थित अपनी जमीन की दखल दिहानी की मांग पर शनिवार को आत्मदाह करने डीसी ऑफिस पहुंचे बहादुर टुडू ने वहां तैनात दंडाधिकारी के आश्वासन के बाद आत्मदाह का फैसला स्थगित कर दिया। दंडाधिकारी ने बहादुर टुडू को उनका जमीन पर शीघ्र कब्जा दिलाने के प्रति आश्वासित किया। मालूम हो कि कदमा के शास्त्री नगर निवासी बहादुर टुडू को कमिश्नर कोर्ट से आदेश मिलने के बाद भी उनके करीब 1.5 एकड़ जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा था। मानवों के बालीगुमा में बहादुर टुडू की करीब 1.5 एकड़ जमीन है, जिसका मुकदमा वे जीत चुके हैं, किंतु उन्हें अपनी जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा था। इसको लेकर बहादुर टुडू ने विगत 5 जुलाई को डीसी ऑफिस में ऐलान किया था कि कब्जा नहीं मिलने पर वे डीसी ऑफिस में आकर आत्मदाह करेंगे। शनिवार को बहादुर टुडू डीसी ऑफिस पहुंचे तो वहां मजिस्ट्रेट भी पहुंच गए, जिन्होंने उनको आश्वासन दिया कि उनको जमीन पर जल्द कब्जा दिला दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी मानगो के सीईओ से इस संबंध में बात हो चुकी है। उन्होंने बताया कि दखल दिहानी के परवाने का कागज फट गया था, जिसके कारण उन्हें उनकी जमीन पर कब्जा दिलाने का काम अटका हुआ था। अब उन्हें जल्द कब्जा मिल जाएगा। दंडाधिकारी के आश्वासन के बाद बहादुर टुडू ने आत्मदाह करने का फैसला फिलहाल स्थगित कर दिया है। हमने क्वेश्चन पढ़ा, तब मैं सुबह से लेकर अभी तक मैंने लाइनअप करने का कोशिश की कि अब मैटर क्या था। हमने मानगो सीईओ से बात किया, उसके बाद जब मुझे पता चला तो मैं बाबा ही लुटने की बात नहीं है, एज ए मैं सरकारी अधिकारी हूँ और मुझे जहाँ डिपुट किया जाएगा एज ए मजिस्ट्रेट, मैं वहाँ काम करूँगा। अब क्या जमशेदपुर को लोगों को धमकी दे के ही अपना काम करवाना पड़ेगा? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ये तो ऐसे ही है ना कि अभी कागज जो फट चुका था वो आप लोग निकाले मैडम, जो कि नहीं ऐसे। आपने अधिकारी से क्यों नहीं पूछा कि इसका पेपर अचानक कहाँ से आया? एक बार मैं पूछने की कोशिश करूँगी। आखिर आत्मदाह करने का आप क्यों सोचे? ये मुझे कुछ इंसाफ नहीं मिला। मेरा पलीगा में जमीन है 1.5 एकड़, कितने साल से 35 साल से केस चल रहा था मेरा, मेरी माँ गुजर गई,
अब मैं लड़ रहा था, मैं केस जीत गया हूँ, लेकिन मुझे दखल देर नहीं दिया गया। इसे परेशान कर रहे हैं, आपने बात करें निर्णय लिया था आज की तारीख में, लेकिन अब मैं डेट को कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आला डी सी द्वारा आश्वासन मिल गया, उसी को लेकर दे दिया है। क्या उम्मीद लग रहा है आपका काम होगा? उम्मीद हो जाए, काम हो जाएगा। बलवामाई थाना के नए भवन का शनिवार को एसएसपी प्रभात कुमार ने विधिवत उद्घाटन किया। इसके पूर्व नए थाना परिसर में पूजा की गई। मौके पर एसएसपी प्रभात कुमार के अलावा जमशेदपुर डीएफओ ममता प्रियदर्शी और थाना प्रभारी अजय कुमार समेत थाना कर्मी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि नए थाना भवन बर्मा माइंस के कैरेज कॉलोनी में बनाया गया है, जिसमें कई सुविधाएं मुहैया कराई गई है। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि नए भवन में कुल 2.25 करोड़ की लागत आई है, जिसमें कई सुविधाएं होगी। इसके अलावा महिला और पुरुष बैरक अलग होंगे। उन्होंने बताया कि पुराने भवन से नए भवन में शिफ्ट करने में 15 से 20 दिनों का समय लगेगा। जब तक थाना पूरी तरह शिफ्ट नहीं हो जाता है, तब तक पुराने थाने में भी काम चलता रहेगा। एसएसपी ने बताया कि शहर में अब भी कई थाने ऐसे हैं जिनका ना तो अपना भवन है और ना ही उनकी स्थिति ठीक है। उन्होंने बताया कि सिसगोड़ा थाना के नए भवन के लिए टाटा स्टील ने एनओसी दे दिया है, जल्द ही उसका काम शुरू हो जाएगा। वहीं मानगो थाना के नए भवन भी जल्द ही बनेंगे। पुराने भवन से नए भवन में शिफ्ट किया गया है। पुराना भवन था, वो एक बहुत ही पुराना क्वार्टर में चल रहा था। वहाँ पदाधिकारियों के रहने की काफ़ी समस्या हो रही थी, जो लोग काम करते थे वहाँ पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं था। ये जो नई भवन बनी है, ये काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है। इसमें जो ज़मीन है वो टाटा स्टील के द्वारा हस्तांतरित की गई थी और JPSCL के द्वारा ये भवन बनाया गया है। कुल 2.45 करोड़ के लागत से भवन बना है और जैसा आप देख रहे हैं, आज हम लोग इसमें शिफ्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे अगले 15-20 दिन में यहाँ से फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। और जो ट्रांजिशन फेज है, इसमें यहाँ भी पदाधिकारी रहेंगे और पुराने भवन में भी रहेंगे। पब्लिक के लिए अभी दोनों जगह, जहाँ भी पब्लिक जाएगी वहाँ उनको रिस्पॉन्ड किया जाएगा, वहाँ उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। विशेष मतदाता पुनरीक्षण के द्वितीय चरण में आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहियाओं को दिया गया विशेष प्रशिक्षण। गम्हरिया प्रखंड कार्यालय सभागार में दिया गया प्रशिक्षण, SDO रहे मौजूद। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर देश भर में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत नए मतदाताओं को जोड़ना, मतदाता सूची से नाम हटाना, मतदाताओं के पते में सुधार करवाने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर चरणबद्ध तरीके से BLO को प्रशिक्षित किया जा रहा है। एक चरण का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, दूसरे चरण के तहत विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड कार्यालय में प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहियाओं को मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया गया। फर्स्ट ट्रेनिंग तो हम लोग करा चुके थे, दोबारा माइक्रो लेवल पर ट्रेनिंग करा रहे हैं। हम लोग छोटे छोटे ग्रुप में बार करके करा रहे हैं ताकि सभी को जो है बारीकी समझ में आवे। आपको जानकारी दें कि जो है हमारे आदिपुर गम्हरिया में जो है काफ़ी संख्या में BLO चेंज हुए हैं, चूँकि पहले टीचर थे, अभी जो है चेंज होकर के सेविका सहायिका इनको आए हुए हैं, तो इनको विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता हम लोगों ने महसूस किया, तो इसलिए बहुत ही विशेष ट्रेनिंग इन लोगों को दिया जा रहा है। लोग यहाँ वहाँ शौच न करें, शहर स्वच्छ रहे, इस उद्देश्य से मानगो नगर निगम के द्वारा विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों में शौचालय का निर्माण करवाया गया था। पर लगातार शौचालय में व्याप्त गंदगी की सूचना पर मानगो नगर निगम द्वारा प्रेशर पंप से अब साफ सफाई की जाएगी, जिसका ट्रायल आज किया गया। शहर स्वच्छ रहे, इस उद्देश्य से मानगो नगर निगम द्वारा मानगो नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले विभिन्न सार्वजनिक जगहों को चिन्हित कर सरकारी शौचालय का निर्माण किया गया, ताकि लोग यहाँ वहाँ शौच न करें। पर हाथों से शौचालय की साफ सफाई से गंदगी से निजात नहीं मिल पाई, बल्कि गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। लगातार इस स्थिति को देखते हुए मानगो नगर निगम ने एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रेशर पंप से साफ सफाई का निर्णय लिया। इसे लेकर मानगो नगर निगम क्षेत्र के सार्वजनिक जगह पर बनाए गए शौचालय को स्वयं निगम के पदाधिकारियों ने अपने हाथों से साफ सफाई किया, ताकि किसी भी सूरत गंदगी न पनपे। आप देखते होइएगा कि शौचालय का उपयोग तो आम जनता करते हैं, लेकिन गंदा छोड़ देते हैं। शौचालय में काफ़ी गंदगी रहती है, हम लोग मैनुअली सफाई करते थे, उतना गंदा रहता था, लेबर उसको सफाई करना चाहता नहीं था। इसी को ध्यान में देखते हुए हम लोगों ने पावर स्प्रे मशीन प्रयोग किया है और आप देख ही रहे हैं इतना इफेक्टिव है, जो मैंने किसी प्रकार की शौचालय की गंदगी है वो आराम से बिना हाथ लगाए हुए, बिना झाड़ू लगाए हुए वो आराम से सफाई हो जाती है। वहीं जुगसलाई गौरी शंकर रोड में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष द्वारा बैठक का आयोजन किया गया।
कांग्रेस पार्टी द्वारा झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के माननीय अध्यक्ष मजूर अरसाई का कोल्हान में स्वागत किया गया। वहीं मजूर अरसाई के द्वारा बैठक का भी आयोजन किया गया। झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला दौरा है कि हम जमशेदपुर आए हैं। मेरा अपना मानना है कि 2400 जिला का हमारा अपना व्यक्तिगत रूप पर भ्रमण होगा, हमारा जाना होगा और हमारा पहला प्रयास है कि कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग को पूरे झारखंड प्रदेश में सभी जिलों में एक मजबूत संगठन के रूप में बनाना। उसी क्रम में आज हमारा जमशेदपुर आना हुआ है। हम अपने सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ मिल करके विचार विमर्श करके और आने वाला समय में यहाँ भी पूरे जिले में एक मजबूत अल्पसंख्यक कमेटी बने, इसका हमारा प्रयास हो। अभी जमशेदपुर के बाद कहाँ कहाँ का जमशेदपुर के बाद अभी हम कपाली जाएंगे, वहाँ पर भी कार्यकर्ता हैं, वहाँ पर भी बात करेंगे। फिर कल हम चाईबासा जाएंगे, चाईबासा जिला में भी जा करके हम अपने सारे वहाँ के संगठन के नेताओं से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और हमारा कोशिश होगा कि पूरे झारखंड में 24 जिला में अल्पसंख्यक विभाग एक मजबूत कमेटी के रूप में। इधर सोनारी से सबुज कल्याण संघ प्रांगण में सामाजिक संस्था उत्कर्ष की ओर से महिलाओं के परिधान से संबंधित मेला का किया गया आयोजन। सोनारी स्थित सबुज कल्याण संघ प्रांगण में सामाजिक संस्था उत्कर्ष की ओर से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से मेला का आयोजन किया गया। मेले के आयोजकों ने बताया कि मेले से प्राप्त राशि से सवर परिवार के लोगों का विकास किया जाएगा। हम लोग उत्कर्ष का तरफ से ये मेला लगाए हैं और ये मेला का उद्देश्य है कि जितना भी वुमेन एंटरप्रेनर है उसको स्वावलंबी बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हम लोग का मुख्य उद्देश्य है वुमेन एम्पावरमेंट। और जो भी प्रॉफिट ये मेला से होगा हम लोगों ने उसको, यूजुअली हम लोग सबर विलेज में काम करते हैं, सबर विलेज का अपलिफ्टमेंट के लिए स्पेशली वुमेन और बच्चा लोग और एडोलेशंस गर्ल्स का लिए हम लोग काम करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा दूर गांव में जाने के लिए क्योंकि वहाँ पर सब कोई पहुँचता नहीं है। तो यही मेरा मुख्य उद्देश्य है ये मेला लगाने का। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। परसुडी थाना अंतर्गत कीटादी क्षेत्र में देर रात 3 अपराधियों ने घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया। बागबेड़ा थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग रेलवे क्वार्टर में देर रात अपराधियों ने क्वार्टर में घुसकर युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। युवक को गंभीर अवस्था में टीएमएच में भर्ती किया गया। एमजीएम थाना अंतर्गत बड़ा बांकी पुल के नीचे 28 वर्षीय युवक की लाश मिली, पुलिस जांच में जुटी। और कपाली पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।